हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी जो मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो टॉपिक रिलेट कर रहा है साइकोलॉजी से। सो आज का भी जो मेरा टॉपिक है वो करियर डेवलपमेंट होने वाला है और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर डेवलपमेंट की, स्ट्रैटेजीज़ की एंड क्लासिफिकेशंस की। सो टाइम ना वेस्ट करते हैं हमारे वीडियो और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ करियर इन्फॉर्मेशन की। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ करियर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले पॉइंट आ जाता है सेव टाइम। जिस भी फील्ड में कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और उसको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, उसका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड कन्फ्यूजन। इसमें बताया गया है कि कोई भी काउंसलर हो उसको उतनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए स्टूडेंट को जितनी रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि जितना भी ज्ञान उसके पास है वो सारा उसके साथ शेयर कर दे किसी स्टूडेंट के साथ, जिससे कि वो स्टूडेंट और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाए अपने करियर को लेकर के। तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें किन बात का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मैंने इसका एक एक्रोनिम बना दिया है सैपलिन करके। सैपलिन, इसमें एस फॉर क्या है, एस फॉर है स्किल्स, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, प्रायरिटीज, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट सूट्स हिम और हर, इंटरेस्ट, नीड्स। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्टूडेंट की हम उसको एक करियर एडवाइस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब इतने अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए बहुत ही सिंपल तरीके से जो कि स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। गिव इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन, इसमें यही है कि एक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट है एनालिसिस। क्लासिफिकेशन हेल्प्स एनालिस्ट एनालाइज द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक एटीट्यूड, डिज़ायर, इंटरेस्ट, नीड्स एक्सेट्रा ऑन डिटरमाइनिंग अ पर्सन्स करियर। मतलब उसको ऑब्जर्व करते हुए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो, उसके डिज़ायर्स क्या क्या हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक हमें करियर की इंफॉर्मेशन उसे सजेस्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज़ एंड स्कीम्स ऑफ क्लासिफाइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब इस क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए। सो उसके लिए एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है। एक लड़की है सानिया जिसने 12th किया है और उसको ड्राइंग और एंड पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और दूसरा उसका शौक है उसे डिज़ाइनर क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज़ का। सो वो अपनी टीचर से पूछती है कि उसे किस करियर को ऑप्ट करना चाहिए। तो जो उनकी टीचर होती है उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करियर होती है वो उसको बता देती हैं उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर जब वो उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछती हैं और उसका आर्टिस्टिक नेचर जानती हैं तब वो उसको कंसल्ट करती हैं कि तुम्हें एज अ फैशन डिज़ाइनर अपना करियर ऑप्ट करना चाहिए। सो इस एग्जांपल से हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, एक अच्छी काउंसलिंग या फिर एक अच्छी एडवाइस हमारे लिए कितनी ज़रूरी हो सकती है वाइल चूजिंग अवर करियर और फर्दर स्टडीज़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन स्ट्रैटेजीज़ फॉर करियर इन्फॉर्मेशन। अब इतने सारे करियर हैं और उन करियर से रिलेटेड कोई ना कोई शहर जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ अब्रॉड जाने की, वहाँ से जाके कुछ हम स्टडी करने की बात करते हैं या फिर कोई भी जॉब करने की बात करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक, सो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम किस तरीके से स्टोर करें जो कि हमारे पास इजीली एक्सेसिबल हो। कोई स्टूडेंट आ रहा है वो बोलता है कि उसको तो साइंटिस्ट बनना है, कोई स्टूडेंट आ रहा है वो बोलता है कि मुझे तो अब्रॉड जा कर के लॉ करना है, तो हमारे पास क्या क्या फाइल एंड फोल्डर्स होंगे और किस तरीके से रखे होंगे जो हम उसको ईजीली निकाल के दे दें। तो अब उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सेकेंड है बाय इंटरेस्ट, थर्ड है जोग्राफिक लोकेशंस, फोर्थ है बाय इंडस्ट्री या ऑक्यूपेशन, फिर फिफ्थ है बाय लेवल ऑफ एजुकेशन। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कोई भी करियर से रिलेटेड, जैसे कि अगर हम बात करें, सपोज़ करें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या क्या मैनेजमेंट आ जाता है, होटल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हम मैनेजमेंट के जो फोल्डर्स होंगे उसको M1, M2, M3 करके कोड कर देंगे अपने पास, और इन्हीं फाइल्स रिलेटेड एक अपने पास रजिस्टर भी होगा जिसपे हम इंडेक्स बना के रखेंगे।
किसी भी ऑक्यूपेशन को हम उसके लाइक जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं, और करना ही होगा. मतलब जैसे कि प्लेन्स हो गए, हिली एरियाज हो गया, या कोस्टल एरिया हो गया, इस तरीके से उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी ऑक्यूपेशन चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें एक अपना फोल्डर बना के रखना होगा. दूसरा मेथड आ जाता है डिवीजन का, ज्योग्राफिकल एरियाज के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट वाइज क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, बहुत सिंपल है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसमें हम बात करेंगे कुछ सिंपल से पॉइंट्स की. जैसे कि अगर किसी को घूमने का बहुत शौक है, एक्सप्लोर करने का शौक है, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है उसे, तो वो किस तरह की जॉब पकड़ सकते हैं अपने लिए, उस वो टूर गाइड बन सकता है, पायलट, वर्किंग ऑन अ याच और क्रूज शिप, या फिर कमर्शियल एयरलाइंस, फ्लाइट अटेंडेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजर, स्पोर्ट कोच एंड स्पोर्ट मैनेजर, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी तो कंट्री टू कंट्री जाना पड़ता है ना कॉम्पिटिशन के लिए एंड मैचेस के लिए. सो ये सारी जॉब अगर कोई भी वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है, तो वो इस तरह की फील्ड में जा सकता है. सेकंड है हमारा, अगर कोई किसी को एक जगह पे बैठना है या ऑफिस में बैठने की जॉब करनी है, तो वो बैंकर, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, कॉल सेंटर एम्प्लॉय, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, इस तरह की चीज़ें लाइक इस तरह के प्रोफेशंस अपना सकता है. फिर थर्ड पॉइंट है हमारा रिसर्च. अगर किसी को रिसर्च में बड़ा मज़ा आता है, उसे रिसर्च करने का शौक है, सो वो साइंटिस्ट की फील्ड में जा सकता है और आर्कियोलॉजिस्ट की फील्ड में जा सकता है. फिर नेक्स्ट है मीटिंग पीपल. अगर लोगों से मिलने का शौक है उसको, मतलब नए नए लोगों से मिलने में बड़ी दिलचस्पी है, तो वो सेल्समैन की जॉब कर सकता है, टीचिंग कर सकता है, टूरिज्म गाइड बन सकता है वो. ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है डूइंग सोशल वर्क. अगर किसी को सोशल वर्क करने का शौक है, होता है भाई, किसी किसी का होता है कि हमें बस इतना कमाना है और दूसरों की मदद करनी है, सो उससे रिलेटेड जो जॉब्स आ जाती हैं वो एनजीओ में आ जाती हैं, जिसमें हमें इस मतलब अवेयरनेस स्प्रेड करनी होती है, और या फिर टीचर की भी आ जाती है, क्योंकि टीचिंग का भी जो ऑक्यूपेशन है वो भी कुछ इसी तरीके का है. अगर किसी का मन होता है मतलब बच्चों को पढ़ाने का, तो फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे बच्चों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन, मतलब कंप्यूटर की जॉब, अकाउंटेंट, डेटा एनालिसिस. फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिस्टिक वर्क, ये भी इंटरेस्टिंग है बहुत. किसी को मतलब आर्ट में दिलचस्पी है, मतलब ड्रामा करने का शौक है, मतलब एक्टर बनना है, वो थिएटर में काम कर सकता है एज एन एक्टर, डांसर बन सकते हैं. ठीक है, पेंटर हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, फैशन डिज़ाइनर हो गए, आजकल इन सारे जो भी फील्ड है आर्टिस्टिक वर्क में, इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप है. फिर नेक्स्ट है एडिटिंग ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स. सो इसमें आ गए एज अ जर्नलिस्ट इन बुक पब्लिशिंग हाउस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. फिर नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ऑफ मशीन इक्विपमेंट. इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जा सकती है, और मैकेनिक हो गए, कार मैकेनिक हो गए, या फैक्ट्री हो गए, या किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं. अब किसी को जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव है, सो वो कहाँ वर्क कर सकते हैं, जू में कर सकते हैं, सर्कस में कर सकते हैं, या डॉक्टर बन सकते हैं, एनिमल डॉक्टर, वेटरिनरी डॉक्टर, और इसके अलावा वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी बन सकते हैं. अब मैनेजिंग इवेंट्स एंड फाइनेंस में आ जाता है हमारा, जैसे कि इवेंट मैनेजर हो गया, बैंकर हो गए, लोन प्रोवाइडर हो गए, फंड मैनेजर हो गए, ये सारी चीज़ें. तो ये बहुत सिंपल एंड कॉमन सी चीज़ें, बस हमें अच्छे से समझना आना चाहिए इन सारे पॉइंट्स को. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़. वैल्यूज़ मतलब कि हमारी जो लाइफ है उसका हमारा एम क्या है, हम किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, लाइक पैसे को ज़्यादा देते हैं, मनी सीकिंग है, और या फिर कुछ और. मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू की, जो कि दो तरीके की होती है, ट्रेडिशनल वैल्यू एंड कॉन्टेम्प्रेरी वैल्यू. अब ट्रेडिशनल वैल्यू में क्या आ जाएगा, वो वैल्यू जो कि हमारी नीड है. ट्रेडिशनल वर्क वैल्यूज इंक्लूड इकोनॉमिक रिवॉर्ड, सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर एंड वर्क एथिक्स. मतलब इतना पैसा जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, इतना होना चाहिए कि हमारी जो ज़िंदगी एक नॉर्मली स्मूथली चलती रहे और हमारा जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो जाए. अब दूसरी आती है कंटेम्प्रेरी नीड. इसमें क्या होता है, इंसान है ना अपनी लाइक मेंटेन्स पर्सनल आइडेंटिटी, उसको लाइक शो करना है दुनिया के साथ, सोशल कनेक्शन बनाने हैं और ऐसे बनाने, अपना एक स्टेटस बनाना है लोगों को दिखाने के लिए, लाइक इनहेंस सेल्फ वर्थ, प्रोमोट्स पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिल सोशल कॉन्टेक्ट विद अदर्स.
वंस अ ट्रेडिशनल वर्क वैल्यूज नीड्स आर सेटिस्फाइड इंडिविजुअल्स लुक फॉर कन्वेंशनल वैल्यूज। ठीक, अब इसमें हम वैल्यूज में पॉइंट्स आ जाते हैं। जिसको पैसे कमाने का बहुत शौक है, ठीक है, मनी उसके लिए मनी सीकिंग है। सो देर आर लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड प्राइमरीली इन मेकिंग मनी फ्रॉम देयर जॉब्स लाइक बींग अ ब्रोकर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर या फिर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। ठीक, नेक्स्ट है सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज। जिनको सोशल रिस्पेक्ट चाहिए होती है वो मतलब जितने भी सिविल सर्विसेज जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्रैक करके वो एक सोशल स्टेटस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी। जो कि सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं वो पुलिस की जॉब कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की कर सकते हैं, कोस्ट गार्ड की कर सकते हैं, नेवी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। जिनके लिए इंटेलेक्चुअल स्टिम्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको सीखने का शौक है, वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, डिज़ाइनर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। फिर है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स कैन बी प्लेयर बिजनेसमैन, सेल्समैन। राइट, कंपटीशन का शौक होता है ना, बिजनेस में भी क्या होता है, वो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, कभी कोई ऊपर चला गया, कभी कोई नीचे हो गया, तो वो उससे उसके साथ कॉम्पीट करेगा ऊपर जाने के लिए वापस। ठीक, और सेम वही प्लेयर्स के लिए भी होता है। नेक्स्ट है पावर। पावर में आ जाएगा हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उस तरह की पावर्स आ जाएंगी। ठीक है, डिसिप्लिन एंड कमांड। जिनको बहुत उसूल और कानून और कायदे बहुत ज़्यादा पसंद है वो स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आर्मी ट्रेनर बन सकते हैं, आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, प्रिंसिपल या टीचर बन सकते हैं। स्कूल में भी तो सबसे पहले हमें कायदे कानून ही सिखाए जाते हैं ना। फिर है हेल्पिंग अदर्स, वो एनजीओ में भी हो सकता है, डॉक्टर या टीचर, ये सारे काम ही हेल्पिंग में भी आ सकते हैं। अगर कोई मतलब इतना काइंड हार्टेड है, वो दूसरों की मदद करना चाहता है, कोई ऐसा डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो वो अपार्ट फ्रॉम देयर जॉब ये काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर एक क्रिएटिविटी, इसमें भी हो गया आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, फैशन डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, एनीथिंग। एडवेंचर, एडवेंचर में आ जाएगा एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, एक्साइटमेंट, दे कैन बी आर्मी ऑफिशियल्स, टूर एंड एडवेंचर गाइड्स एक्सेट्रा। अब इनमें से आप लोगों ने कोई भी क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लिया ना, तो आप उससे रिलेट करके खूब अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन विच वॉज रिवाइज इन 2004। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें एक सिंगल डिजिट कोड है जो कि हर ऑक्यूपेशन के लिए सेट है, एक वन डिजिट कोड। ठीक है, फिर उसके नीचे जो सब डिवीजन आता है उसमें टू डिजिट कोड आ जाता है, फिर उसके नीचे एक और जो भी उसका डिवीजन आ जाता है वो थ्री डिजिट कोड के साथ आ जाता है, फिर उसके नीचे एक और आता है डिवीजन, वो है फोर डिजिट कोड टू ईच फैमिली। ठीक, और ये टोटल सब डिवीजन्स एंड सब डिवीजन ग्रुप्स को मिला करके और 10 ऑक्यूपेशन को मिला करके 462 ऑक्यूपेशनल फैमिलीज हो जा रहे हैं। अब वो 10 ऑक्यूपेशनल डिवीजन कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सीनियर ऑफिशियल्स एंड मैनेजर्स। सेकेंड है प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल में क्या क्या आ जाता है, प्रोफेशनल में इस प्रोफेशनल डिसीजन में जो डिवीजन है इसमें जो स्किल रिक्वायर है वो फोर्थ स्किल लेवल है, जैसे कि हो गई फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, मेट्रोलॉजिस्ट, केमिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिस्ट। नेक्स्ट है टेक्नीशियन एंड एसोसिएट प्रोफेशनल्स। फोर्थ है क्लर्क। फिफ्थ है सर्विस वर्कर्स एंड शॉप एंड मार्केट सेल्स वर्कर्स। सिक्स है स्किल एग्रीकल्चर एंड फिशरी वर्कर्स। सेवन्थ है क्राफ्ट एंड रिलेटेड ट्रेड वर्कर्स। अब क्राफ्ट वर्क में क्या क्या आ जाए, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, फॉर्म मेटल और सेट मशीन टूल्स, मेक फिट मेंटेन एंड रिपेयर मशीनरी इक्विपमेंट और टूल्स, सब तरह की चीज़ें आ जाएंगी। फिर है एट्थ प्लांट एंड मशीन ऑपरेटर्स एंड असेंबलर्स। नाइन्थ एलिमेंट्री ऑक्यूपेशन। टेंथ है वर्कर्स नॉट क्लासिफाइड बाय ऑक्यूपेशन। अब इसमें क्या है ना, इसमें जितने भी फील्ड ऑफ जॉब्स हैं सब कुछ इंक्लूड हो गया है इसमें। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम एंड लेवल ऑफ एजुकेशन। इसमें हम बात करेंगे इंटरेस्ट वो लेवल एंड स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग, मतलब जिसने जो भी स्ट्रीम चूज़ की थी, ऑप्ट की थी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या क्या करियर ऑप्ट कर सकता है। जैसे ह्यूमैनिटीज़ हो गया, साइंस हो गया, टेक्निकल हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, डोमेस्टिक साइंस। और इनका जो फर्स्ट लेटर है ना, ये सब इनका कोड है, कोड ऑफ स्ट्रीम एंड लेवल ऑफ एजुकेशन।
अब चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज हो, और इन कोर्सेज को किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं और ज़्यादा, जैसे एक्स वाई जी, इन केस द इंफॉर्मेशन फॉर साइंस स्टूडेंट हैज टू बी क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्सेज एट डिग्री लेवल, द कोड वुड बी C01 10। सी से क्या आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, और 01 उसका नंबर हो गया, और 10 यानी कि 10th क्लास के बाद जो भी डिप्लोमा कोर्स है, सो वो हो गया। इस तरीके से हम इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि हमारे पास मैनेज करने में दिक्कत ना हो सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री। अब सेम चीज़ें बार बार हम पढ़ रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से, जिसमें आ गया हमारा फिल्म इंडस्ट्री, फाइनेंस एंड बैंकिंग इंडस्ट्री। अब इसमें आपने जितना भी अभी तक मैंने समझाया, आप इसको खुद कैटेगराइज कर सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा। नेक्स्ट टू हॉलीवुड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज सेट टू बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। जो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है उसके बाद सबसे बड़ी बॉलीवुड आती है, और इसमें कितने लोगों की ज़रूरत होती है एक्टर एक्ट्रेसेस के अलावा, जो कि बैकग्राउंड में रहते हैं उनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, सो वो सब इस फील्ड में आ सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, और डायरेक्टर हो गए, कोरियोग्राफर हो गए, ब्यूटिशियंस, सिंगर्स, डबिंग आर्टिस्ट, स्टेज डेकोरेटर्स, इन ये सभी इसमें फिट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइनेंस एंड बैंकिंग इंडस्ट्री, थर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, फोर्थ है टूरिज्म इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, हेल्थ डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में तो प्रिंसिपल, टीचर, कोच, यही सब आ जाएंगे। सेल्स इंडस्ट्री है, फिर आर्ट एंड डिज़ाइन इंडस्ट्री है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इंडस्ट्री, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर इंडस्ट्री, फिर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें कंस्ट्रक्शन का मतलब आप सबको पता ही होगा। सो ये सारा कुछ था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डेप्थ में समझाऊं तो उसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। और बाकी सब यही सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बेसिक सी भी हैं और ईजीली याद हो जाएंगी। आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।